हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का रणवीर सिंह एंड कबीर खान की फिल्म 83 के डे नंबर 10 के ऑफिशियल इंडिया एज वेल एज ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं रणवीर सिंह को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अपने करियर के इतने जल्द पड़ाव पर उन्होंने इस तरह का एक माइलस्टोन हासिल किया है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं पद्मावत से, अ फिल्म इन द 100 करोड़ क्लब, सिम्बा अ फिल्म इन द 100 करोड़ क्लब, गली बॉय अ फिल्म इन द 100 करोड़ क्लब, एंड यस, यहाँ पर ये उनकी चौथी कंजेक्यूटिव फिल्म बनती है इन द 100 करोड़ क्लब। यस, सूर्यवंशी आई थी जहाँ पे सूर्यवंशी ने ऑलमोस्ट 196 करोड़ का लाइफ टाइम किया है। रणवीर हैड अ स्पेशल अपीयरेंस इन द फिल्म, तो इन टोटैलिटी वो उनकी फिल्म कहीं नहीं जाएगी, लेकिन यस, ही इज अ पार्ट ऑफ अ कॉप यूनिवर्स, इसलिए वो भी इस फिल्म में इंक्लूड होते हैं। इस हिसाब से देखें तो रणवीर सिंह की पिछली 5 फिल्मों ने लगातार कंजेक्यूटिव 100 करोड़ मारे हैं। अब गाइस, लोग कहेंगे कि 100 करोड़ कौन सी बड़ी बात है, यू नो 2010 से 2008 से लोग 100 करोड़ मारते हुए आ रहे हैं, लेकिन गाइस अब के जमाने में, यानी कि जिस तरह का सिचुएशन अब चल रहा है, दीज आर नॉट नॉर्मल सिचुएशंस, इस जमाने में 100 करोड़ भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इसीलिए अप्रिशिएट करना बनता है। राइट फ्रॉम पद्मावत 302 करोड़ एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, सिम्बा 240 करोड़, गली बॉय 140 करोड़, गली बॉय एंड पद्मावत, इन दोनों फिल्मों में किस तरह से मीडिया एंड स्पेशली ट्रेड द्वारा नेगेटिविटी हुई थी, ये मैं आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वही ट्रेड अब जाकर वापस से रणवीर सिंह को आर्टिकल्स द्वारा टारगेट कर रहा है, एंड ये ओपन में है। पिछले 3 दिनों से आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट, किस तरह से ट्रेड रणवीर सिंह की फिल्म 83 को यहाँ पर इंडियन फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी डिजास्टर घोषित करने की कोशिश में है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नंबर्स स्पीक अप फॉर द बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, एंड यही हो रहा है। इसके आगे मुझे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड 83 हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द सेकेंड वीक। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि रणवीर सिंह की फिल्म 83 एक ब्लॉकबस्टर है, एक हिट है। मेरा कहना बस यही था कि रणवीर सिंह की 83 इज नॉट द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। यस, फिल्म नेगेटिव में जाएगी, एंड शायद इसका जब थिएट्रिकल रन खत्म हो तब ये एक फ्लॉप टैग ना लेते हुए एक बिलो एवरेज टैग ले जाएगी, जो मैंने आपको पिछले 2 दिन से कहा है। इतना ही नहीं, अगर रणवीर सिंह के करियर में बेफिक्रे नाम की फिल्म नहीं आती, इनका इस बाजीराव मस्तानी वॉज ऑल्सो अ सुपर हिट फिल्म विथ ऑलमोस्ट 185 करोड़ एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। एंड द राइटिंग इज क्लियर, रणवीर सिंह इज द जेन नेक्स्ट सुपरस्टार, एंड फिल्म लाइक जयेश भाई जोरदार, विद फिल्म लाइक सर्कस, वी हैव द अनियन रीमेक, एंड वी हैव बिग फिल्म विद रॉकी रानी की प्रेम कहानी। रणवीर सिंह इज द नेक्स्ट गो टू गाय, द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ द जनरेशन। लेकिन आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। डे 8 83 4.36 करोड़, फिनिश खत्म फिनितो। डे नंबर 9 मैसिव जंप, न्यू ईयर जंप, 7.73 करोड़ की कमाई की थी। एंड उसके बाद डे 10 सभी लोगों को लगा कि वापस से न्यू ईयर के बाद जो मैसिव ड्रॉप आता है वो मिलेगा एंड फिल्म खत्म हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। द फिल्म अर्न 7.31 करोड़, ब्रिलियंट, 7.31 करोड़ 10 डे पर यू नो खत्म कर इसने अपना जो सेकेंड वीकेंड है उसका ड्रॉप एकदम मिनिमम रखा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्या ये ड्रॉप मिनिमम है, हमको तो नहीं लगता। तो आप सभी लोगों को बता दूं, इससे पहले सूर्यवंशी जो थी वो भी जब अपने सेकेंड वीकेंड में आई थी तब उसने ऑलमोस्ट 58-60% का ड्रॉप लिया था, तो उसके हिसाब से इसका ड्रॉप एकदम एवरेज है। यस, सूर्यवंशी का पहला हफ्ता जाइगेंटिक था, बाप लेवल पे कलेक्शन था, इसीलिए यहाँ पर वो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन ड्रॉप के हिसाब से देखें तो 58-60% का ड्रॉप इज लाइक सूर्यवंशी, जो कि काफी अच्छा है। बात करें गाइस टोटल कलेक्शंस की, तो 10 दिनों में फिल्म ने 91.27 91.27 करोड़ की कमाई कर ली है। ऐसा लग रहा है आने वाले समय में डे नंबर 11 यानी कि मंडे इसको कैसे भी 3.75 से लेकर 4 करोड़ कमाने हैं, फिर ट्यूसडे ऑफ 3.5, वेडनेसडे ऑफ 3 एंड थर्सडे ऑफ 2.75, ये फिल्म और 14-15 करोड़ कमाने की क्षमता रखती है। ऐसा हुआ तो 2 हफ्तों में ये फिल्म एक डिसेंट 105 से लेकर 106 करोड़ की कमाई कर लेगी। उसके बाद अगला हफ्ता भी पूरा फ्री है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू थिएटर्स नॉट बीइंग क्लोज्ड, अगर थिएटर्स बंद नहीं होते तो इसको एक और हफ्ता मिलेगा
जहाँ पर ये फिल्म ऑडियंस के ऊपर और ग्रो होगी। इतना ही नहीं, ओवरसीज में यहाँ पर ये कमाल धमाल माला माल कलेक्शन कर रही है रणवीर सिंह सुप्रीमेसी इन द ओवरसीज मार्केट कंटिन्यूज। सभी लोगों को पता है डे 8 2.70 करोड़ था ओवरसीज में, लगा खत्म। उसके बाद गाइज डे 9 फाड़ न्यू ईयर्स डे 4.02 करोड़ की कमाई कर ली इसने। एंड गाइज यहाँ पर डे 10 भी इसने अच्छी खासी 2.90 करोड़ की कमाई करते हुए 53.17 करोड़ की कमाई की है। यस 53.17 करोड़ की कमाई कर दी है। एंड वो कहते हैं ना, देयर वाज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन अ डार्क क्लाउड एंड दैट सिल्वर लाइनिंग शुड ऑलवेज बी हाईलाइटेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ओवरसीज के टॉपिक को कोई भी एनालिस्ट, कोई भी मीडिया वाला या फिर कोई भी ट्रेड वाला टच नहीं करना चाहता। यू ऑब्वियसली देयर इज एन एजेंडा अगेंस्ट दिस फिल्म, अगेंस्ट द एक्टर कॉल्ड एज रणवीर सिंह। लेकिन यहाँ पर द राइटिंग ऑन द वॉल, कलेक्शंस बोलते हैं, ओटीटी फिल्म होती तो शायद आपको ये सब चीजें नहीं पता चलती, इट वुड हैव बीन यू नो डंप्ड इन द बैग एंड थ्रोन अवे। लेकिन यहाँ पर कलेक्शंस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली राइटिंग ऑन द वॉल, द फिल्म इज सुपर अप्रिशिएटेड इन द ओवरसीज मार्केट जो कि खुला दिखाई दे रहा है। एंड 10 दिनों में ये कलेक्शन करना कोई मामूली बात नहीं। यहाँ पर सूर्यवंशी की बात करें, सूर्यवंशी को 50 करोड़ ओवरसीज कमाने में 11 दिन लग गए थे। 11 दिनों के बाद सूर्यवंशी 50.37 करोड़ की कमाई कर ली थी। एंड वो जमाने में ओमिक्रॉन नहीं था, कोरोना स्केयर भी खत्म हो चुका था, सब कुछ चंगा था ओवरसीज मार्केट में। इसीलिए मैं ओवरसीज से इसके कलेक्शंस कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरसीज में सूर्यवंशी वाज अ स्ट्रांग पोजीशन, मोर स्ट्रांगर देन 83 द फिल्म। 83 आई, ओमिक्रॉन था, यूएस में हजारों लाखों केसेस आ रहे थे, वहां पर सिचुएशन अच्छी नहीं थी। डिस्पाइट दैट 83 डूइंग सच मिराक्युलस बिजनेस इन द ओवरसीज मार्केट स्पीक्स वॉल्यूम्स के ये फिल्म का कंटेंट जो है अप्रिशिएट किया। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्फ्स, 108.65 करोड़ का इंडिया ग्रॉस, जिसका नेट है 91.27 करोड़ एंड 53.17 करोड़ का ओवरसीज ग्रॉस। रणवीर सिंह, अरे भैया सिंह कहां से भाई, एक ही है वो। रणवीर सिंह की फिल्म 83 ने 10 दिनों में पूरे विश्व भर में 161.82 करोड़ की कमाई की है, यानी कि 161.82 करोड़ की कमाई की है। एंड दिस इज नॉट द बिगेस्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड सिनेमा। जितने लोग ये बोल रहे हैं कि ये बिगेस्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड सिनेमा है, तो उनको जाके जवाब दीजिए, उनको कहिए कि ये यहां पर नहीं है। एंड गाइस इसी के साथ इसके 10 दिन जो है वो समाप्त होते हैं। अब इसका जो आज से दिन है, यानी कि 11वां दिन जो शुरू हो रहा है, वो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेट्स सी कल ये फिल्म कितना कमाती है, वो कल के एपिसोड में हम मिलेंगे। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 83 नहीं देखी है जाके अपनी नजदीकी सिनेमाघरों में देखिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।